लजीज खजाना तहे दिल से आपका स्वागत करता है। मैं हूँ स्वाति चांडक। आज हम बनाएंगे बटर नान। गार्लिक नान के लिए 3 कप मैदा छान के लिया है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच पीसी चीनी है, 1 चम्मच तेल है, आधा चम्मच कलुंजी है, 3-4 लहसुन की कलियां ली है, 1/4 चम्मच मीठा सोडा है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, कटा हरा धनिया है और 1 बड़ा चम्मच दही लिया है। लहसुन को कसनी की सहायता से कद्दूकस करेंगे। फ्रेंड्स, मैदे में नमक, पीसी चीनी, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और दही, तेल, आधा कटा हरा धनिया डालेंगे, आधा ऊपर गार्निश करेंगे, आधा कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे, आधा ऊपर से गार्निश करेंगे और आधी कलुंजी डालेंगे और आधी ऊपर से गार्निश करेंगे और गुनगुने पानी से अच्छा डो तैयार कर लेंगे। सभी अच्छे से मिला लिया है। नान का डो रेडी है। इसको 1-2 घंटे रेस्ट के लिए ढककर रखेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसमें लहसुन ऐड नहीं करेंगे। नान का आटा रेडी हो गया है। अब इससे नान बनाएंगे। नान के लिए छोटी सी गोली बनाई है और लंबा लंबा बेलेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी कलुंजी, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और कटा हरा धनिया की गार्निश करेंगे। हल्का सा इसको बेल लेंगे ताकि ये सेट हो जाए और पलट कर चारों तरफ पानी लगा देंगे। तवा गरम हो गया है। इस पे नान डालेंगे। पानी वाला पार्ट नीचे रखेंगे। इस पर बबल्स आने लग गए हैं। इसको पलट कर पकाएंगे। नान पक गया है। नान पे बटर लगाएंगे। हमारा गार्लिक बटर नान बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।